हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे, जो चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा विस्तार से समझें, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, EMF क्या होता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है? इधर हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कर चुके हैं, और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में हम लोग क्या थे, ठीक है? अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का क्या हो गया था, ठीक है? आज से हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई ऑन डायल्यूशन द, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन है ऑफ एसिटिक एसिड जो इंक्रीजेज ड्रेस्टिकली, वाइल द जो सोडियम एसिटेट है इंक्रीजेज ग्रेजुअली, ठीक है? ये हम लोग को इसमें बोल रहा है कि जो डायल्यूशन ऑफ वाई ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन करने पर जो होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये एसिटिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इंक्रीजेज ड्रेस्टिकली, मतलब वो अचानक बढ़ जाता है, ठीक है? कि जो डायल्यूशन करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो एसिटिक एसिड का क्या होता है, डायरेक्टली मतलब अचानक बढ़ जाता है। जबकि जो हम देखते हैं एसिटेट, सोडियम एसिटेट क्या होता है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली। अब वो क्या करता है, ग्रेजुअली मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है ये, क्या देखिए आंसर्स मेरा क्या दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट हम क्या बताए थे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम बता चुके थे कि जो वो क्या करता है, अपने जब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास करने देता है अपने थ्रू, ठीक है? अपने या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट में, या तो एक्वस स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जानिए, देयरफॉर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देयरफॉर द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, तो जो नंबर ऑफ आयंस होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है डाइल्यूशन में, ड्यू टू एन इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जानना हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला होता है, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा ये क्या हो, हम लोग इसके बारे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, और अल्फा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, सी, और ये एम, वाई में क्या होता है, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये एम होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जो ये होता है वो डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, ये डिटरमाइन किया जाता है किसे, एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? जबकि ये जो होता है वो हम लोग इसको इसको किस चीज़ से जानते हैं, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जो किसे फाइंड आउट होता है, कैलकुलेटर बाय खरलॉस लॉ। इसको कैसे, खरलॉस लॉ, जो खरलॉस लॉ पढ़े होंगे, खरलॉस लॉ होता क्या है, ठीक है, के ओ, ठीक है, खरलॉस लॉ, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ये एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट अब हम समझ गए थे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने आयन्स को कम्प्लीटली क्या करते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, ठीक है, आयन्स में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली जब भी खलास लॉग से ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात किए थे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें अचानक बढ़ जाता है जो, देखिए इसका डाइल्यूशन करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो डाइल्यूशन करने पर वो अचानक बढ़ जाता है। इसका कारण होता है, क्या होता है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अगर देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज इन ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के हिसाब से जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन डाइल्यूशन या फिर कंसेंट्रेशन, आप पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जब इंक्रीज कर जाता है डाइल्यूशन में, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका कारण क्या होता है, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है, यहाँ ग्राफ का बात अगर करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं और यहाँ पे सी को लेते हैं, ठीक है, जो क्या कहलाता है, ये डायल्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है, डायल्यूशन। तो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे आएगा उसका, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH, ये क्या है मेरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है नंबर्स ऑफ आयन इंक्रीजेज ऑन डायरेक्शन ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, देखिए जब हम इस लोग को क्या करते हैं, डायरेक्शन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो मेरा मोल वाई ऑन डायरेक्शन मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जबकि हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि क्या है, ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होता है, आयन्स में कम्प्लीटली, आयन्स में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसी के कारण से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण ये क्या होता है, तुरंत इसका जो अचानक इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण क्या होता है, आयन्स एंड इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण तुरंत भी एसिटिक एसिड का जो बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी है वो अचानक इंक्रीज कर जाता है। जबकि जबकि क्या होता है, एसिटेट आयन में ऐसा नहीं, हाँ सोडियम एसिटेट आयन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके जो आयन्स होते हैं वो कम्प्लीटली टूट जाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या है, ये सोडियम एसिटेट आयन है वो क्या है, एक मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्लोली एंड लिनियरली विथ इंक्रीज इन डायल्यूशन, ठीक है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी। ये इसका जो कारण होता है वो आयनिक मोबिलिटी के कारण होता है, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी के कारण होता है, ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एंड एनी कंसेंट्रेशन, मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसी के कारण वो क्या करता है, वो बस आयनिक मोबिलिटी के कारण वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है उसका मोलर कंडक्टिविटी। जबकि जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर डाइल्यूट कर देते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करने के साथ उसका क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इसमें हमको इसको अगर आप देखेंगे उसका ग्राफ क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, देखिएगा अगर इसका ग्राफ आप देखना चाहेंगे तो ये इसको जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इसका ग्राफ जाता है, ठीक है, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, पूरा एकदम स्लोली स्लोली, पूरा धीरे धीरे, ठीक है, पूरा नीचे थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है, इधर होता है,
यहाँ तक समझ में आ गया कि क्यों एसिटिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है अचानक इंक्रीज कर जाता है, जबकि जो एसिटेट आयन है, सोडियम एसिटेट आयन है, उसका क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड इन द सेल रिटेन बिलो। ये मेरा दिया हुआ है राइट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑन द सेल। यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन, हम उस दिन बताए थे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल के बाद फिर हम बताए थे कि उसको लिखा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले वाला क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ था इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन किए थे ये वाला। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल, यही दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं लिखे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर बोले तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उस दिन बताए थे हम आपको क्या होता है, जो ये क्या होता है गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्टेड कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन की, देखिए ये वाला फिगर में देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किधर होता है ये वाला फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ठीक है, सॉरी ये एक ब्रिज होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स यहाँ पे, वो ये मेरा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, हमेशा एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में क्या होता है रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, इसमें हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही मेरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ के जो राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसके अनुसार आपको क्या करना है, रिएक्शन बनाना है। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, एनोड में देखिए एनोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ और है बट यहाँ पे देखिए एनोड में ये मेरा एनोड है और इधर का मेरा कैथोड है, तो ये क्या हो रहा है Cl2 से। ठीक है, हमको क्या लाना है Cl- लाना है। ठीक है, तो इसमें लाने के लिए देखिए एनोड में क्या होगा, देखिए एनोड में, एनोड के लिए क्या होता है हमेशा ये क्या करता है 2+ लाना है, तो Cu से Cu2+ कब आएगा। ठीक है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो अभी मैं बताई थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो Cu हम लोग को Cu से Cu2+ लाना है, यही है ना। तो देखिए Cu से Cu2+ कैसे लाएंगे, तो इसके लिए Cu के लिए क्या करना है, Cu2+ से हम लोग जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो Cu2+ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कैथोड में, कैथोड में देखिए कैथोड में क्या हो रहा है Cl2 में टू इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन कर ले रहा है, ठीक है, तब 2Cl- मेरा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 2Cl- मतलब यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज है तो एक चार्ज और ये एक दो, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो गया तो 2-। ठीक है, दो माइनस चार्ज ये क्या किया, गेन किया, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड में क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोल दिया हुआ है NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 × 10⁻²⁰ ओम पर ओम पर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस। हम लोग को मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है और ठीक है ये जानना है दिया क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, जो मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है इसके बारे में, इसके पहले वाले लेक्चर को हम अच्छे से बताए हुए, इसके पहले वाले लेक्चर में मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से बताई हुई हूँ।
मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, एक कंडक्टेंस ड्यू टू, बोल सकते हैं ड्यू टू ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एक वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, ये बोल सकते हैं ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, इसको इस चीज से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, मुझे भी बताया था, इसका एक दो फॉर्मूला होता है ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है के इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए मोलारिटी हम लोग का दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मीन्स के ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है के ठीक है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, इसका इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये के का वैल्यू क्या होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसी को बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट को ही ठीक है। देखिए ये के हो गया, अब के का वैल्यू हम लोग को दिया, सॉरी ये के का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है 1000 × 0.1। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ठीक है, ये क्योंकि इसका मोल होता है ठीक है, और ये इसका जो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर ओम दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो पूरा यूनिट निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाता है, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन में भी लिख सकते हैं, पर ओम को साइमन लिखते हैं, फिर पर सेंटीमीटर फिर क्यूब में आ जाता है ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर पूरा हो जाता है, इसका इसका पूरा इसको हम लोग पर ओम को साइमन लिख सकते हैं, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर पर मोल, ये इसका आंसर होगा ठीक है। बस आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज साल्ट ब्रिज राइट इट्स फंक्शन, साल्ट ब्रिज क्या होता है वो देखिए, साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ए ग्लास यू ट्यूब, देखिए हम क्या बोलते हैं, कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर, साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग को जाना है कि साल्ट ब्रिज होता क्या है ठीक है। ये क्या होता है, एक यूट्यूब के आकार का, सॉरी यूट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट उसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है, उपस्थित होता है, जैसे के सी एल हो गया, के एन ओ थ्री हो गया, और एन एच फोर सी एल हो गया ठीक है, या फिर जेली वगैरह ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है, देखिए फंक्शन हम लोग को दिया हुआ, इट अलाउज फ्लो आयंस थ्रू, दस इट्स सर्किट इज कंप्लीटेड, मतलब जो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसमें क्या होता है, इट अलाउ करता है ठीक है, ये आयंस को अलाउ करता है, जाने देता है ठीक है। हमको इसके बारे में जानना है, साल्ट ब्रिज, ये येलो कलर का ठीक है, इसके बारे में ठीक है, साल्ट ब्रिज। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट अलाउज फ्लो द आयन थ्रू इट, मतलब ये क्या करता है, आयन को क्या करता है, फ्लो करने के अलाउ देता है ठीक है, अनुमति देता है, दस द सर्किट इज कम्प्लीटेड, तभी क्या करता है, सर्किट मेरा क्या होता है, कम्प्लीट होता है ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट होता है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये दोनों में क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ठीक है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ठीक है, अगर किसी में कम या बेसी हो गया तो फिर ठीक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, इरेज कर देती हूँ मैं इसको, इसमें बोल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, NaCl, ये दिया हुआ है ठीक है, रिस्पेक्टली कैलकुलेट
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फिर CH3COOH, मतलब सोडियम एसिटेट आयन के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग खरलास लॉ है, या फिर खरलास लॉ के हिसाब से हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी या फिर क्या बोल सकते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन फ्लैट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है, जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि डिटरमाइन किया जाता है एक्जा पोर्शन ऑफ ग्राफ, उसको ग्राफ से क्या कर देता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब इसको हम लोग क्या कैसे करते हैं, खरलास लॉ, खरलास लॉ से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। खरलास लॉ क्या होता है, देखिए खरलास लॉ से कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, खरलास लॉ में क्या होता है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस के, जो आयनिक कंडक्टेंस होता है, जैसे ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और एनायंस के सम से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किया दिया हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फिर CH3COOH है, तो हम लोग को दिया क्या हुआ है, यहाँ से हम लोग पहले H वाले से निकाल लेंगे, देखिए H H H के लिए देखिए यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे किस में देखिए CH3COO है, ये H का वैल्यू यहाँ से हम लोग को आ सकता है ना, देखिए ये यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3CO का वैल्यू और Na का वैल्यू यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस के, जैसे ये कैटायंस का जो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, एच प्लस हो गया, प्लस में अगर इसको करेंगे तो एनायंस को क्या हो जाएगा, CH3 एसिटेट आयन ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच को यहाँ जैसा का वैसा रखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा और CH3O डबल माइनस, फिर प्लस में अगर Na इसको लिख सकते हैं, फिर माइनस Cl पहले NaS, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखिए खुद सोचिए कि हम लोग कैसे यहाँ पे CH3COOO ला सकते हैं, तो CH3COOH का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो CH3COOH से फोर यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONa, तो इसका हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे CH का वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे CH या तो यहाँ पे H होगा या फिर यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके लिए H यहाँ पे डबल लिखेंगे, फिर H जैसा का वैसा रहेगा, फिर अगर यहाँ पे CH3COOH यहाँ पे अगर Cl प्लस ऐड करते हैं, ठीक है, Cl ऐड करेंगे तभी तो ये HCl बनेगा ना, और HCl का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे CH3COOH दिया हुआ है, उसके बाद Na, ठीक है, Na प्लस करेंगे तभी तो ये Na हो जाएगा और ये NaCl का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसका निकालेंगे तो देखिए HCl का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, CH3COONa का वैल्यू दिया हुआ है, और ये क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का भी वैल्यू हम लोग को क्या किया, दिया हुआ है। तीनों का वैल्यू बिठा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा किसका, एसिटिक एसिड का हम लोग को क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, जबकि यहाँ पे H होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, तभी तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकल रहा है, एसिटिक एसिड का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग को निकालना ही था, देखिए ये किसका निकल जा रहा है, अगर ये CH3COOH का, अगर CH3 4 कैलकुलेटिंग लिमिट 4 CH3COONa, तो यहाँ तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा,
इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये एच एच दिया हुआ है। यहाँ आंसर मेरा क्या है सही है, यहाँ एच का निकालना था, एसिटिक एसिड का निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि किसको ऐड करने से कौन सा आएगा। जैसे लिमिटिंग करना, इसको अगर हम लोग प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो एच सी एल बन जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो एन ए बन जाएगा, जबकि ये दोनों मेरा दिया हुआ है। और एन ए सी एल भी हम लोग को ऐड करना है, तो एन ए सी एल मतलब एन ए सी एल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी मेरा क्या बनेगा। देखिए इसमें से हम लोग दोनों को ऐड किया और NaCl को, क्योंकि NaCl हम लोग को इसमें चाहिए नहीं, तो NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, ये दोनों में से NaCl को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो HCH3CO डबल H का जो वैल्यू है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग खरलास लॉ से निकालते हैं। खरलास लॉ में क्या होता है, जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको क्या करते हैं, कंडक्टेंस का जो आयनिक कंडक्टेंस उसके सम के रूप में उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी से हम लोग को वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.025 मोल पर लीटर मेथोनिक एसिड, 46.1 साइमन परसेंट सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में भी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, हम अभी बताए थे ये क्या है, कंडक्टेंस आयंस का, देखिए आयंस का दिया हुआ है, कैटायंस का ये दिया हुआ है और एनायंस का अगर ये दिया हुआ है, हम लोग खरलास लॉ के हिसाब से दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं, तो ये मेरा निकल जाएगा एच सी डब्ल ओ एच का निकल जाएगा। ठीक है, निकालने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी मैं बताई थी कि ये क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी और ये क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40, जब इसको हम लोग करेंगे तो 46.1 और ये 404 पॉइंट, ये जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 11.4%। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये क्या है, ये फॉर्मूला है, और इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो मेरा ये आंसर होगा ये क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, आगे का लेक्चर हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है।